अहमदाबाद बस फोर्ट गीता मंदिर सुबह के 7:45 में और लोगों का हुजूम देखिए, तांता ही तांता लगा हुआ है। आज प्रजासत्ताक दिन है 26 जनवरी, फिर भी यहाँ प्रवासी देख लीजिए कितने हैं। सुबह सुबह लोग बात न जाने किन किन कारणों से प्रवास कर रहे हैं। ये है गीता मंदिर बस पोर्ट। इसका नाम गीता मंदिर बस पोर्ट क्यों पड़ा? इस विस्तार के ऊपर से पड़ा। ये सारा विस्तार गीता मंदिर विस्तार कहलाता है। अब गीता मंदिर विस्तार का नाम गीता मंदिर से पड़ा तो ये गीता मंदिर कहाँ है ये ढूंढने मैं गीता मंदिर रोड पर निकल पड़ता हूँ। आज वैसे गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2024, लेकिन ट्रैफिक को जैसे पता ही नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल लगा हुआ है। न जाने कौन कहाँ जा रहा है, यहाँ बस भी निकल रही है। मैं इस वक्त अहमदाबाद के भूला भाई क्रॉस रोड पर खड़ा हूँ और देख लीजिए, हाँ वैसे कुछ दुकानें बंद जरूर हैं। ट्रैफिक का कंजेशन भी हो रहा है। वही रेल पेल, वही चहल पहल, वही किल्लों, लगता है प्रजासत्ताक गणतंत्र दिवस सरकारी समारोह बनकर रह गया है। आपको क्या लगता है? हाँ वैसे कह सकते हैं जनजीवन सामान्य है। ये है वो स्ट्रक्चर या भवन जिसके नाम पर से अहमदाबाद बस पोर्ट का नाम पड़ा गीता भवन, गीता मंदिर। यहाँ एक धर्मार्थ चिकित्सालय है, गीता मंदिर धर्मार्थ चिकित्सालय। ये नजदीक से लिया हुआ चित्र है गीता मंदिर का। ये है वो गीता मंदिर भवन जिसके ऊपर से इस विस्तार को गीता मंदिर विस्तार कहा जाता है। अहमदाबाद का मेन बस पोर्ट वो भी इसी विस्तार में स्थित है, इसीलिए उसे गीता मंदिर बस पोर्ट कहा जाता है। आपने ये नाम बार बार सुना होगा, गीता मंदिर बस स्टैंड, और उनके मूल में है ये भवन जिसके एकदम टॉप में अगर आप देखेंगे तो एक घड़ी लगी हुई है, टावर है ये। ये रही वो घड़ी। उसके नीचे यहाँ पर एक बेल, एक घंट दिख रहा है।